हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बम बम भोले पे। आज के इस वीडियो में गुरुजी मिर्गी, चक्कर और दमा जैसी बीमारियों के बारे में बता रहे हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। आइए सुनते हैं गुरुजी के मुख से। शिव पुराण कह रहे हैं, प्रयास करना भोले राजदूत के दिन शंकर भगवान का, अगर ज्यादा शरीर में कष्ट हो, दुख हो, बीमारी हो, तकलीफ बहुत, उनके लिए सबसे सुंदर है जिनको मिर्गी आती है, जिनको चक्कर आ जाते हो, अचानक गिर जाते हो, हाफड़ी भराने लगती हो थोड़ा सा चलने पर, श्वास फूल जाती हो ज्यादा चढ़ने पर, उनके लिए विशेष है कि धतूरे की जड़ को, धतूरे का जो फल होता है उसकी जड़ महाराज निकाल कर धोकर उसको घिस कर शंकर भगवान पर उसका लेपन कर दीजिए, थोड़ी सी जड़ शिव जी पर चढ़ा दीजिए फुलेरा दूज के दिन, उस जड़ को पानी चढ़ाकर वापिस लेकर आ जाइए। जो मिर्गी का मरीज होता है, जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की होती है, चलने में हाफड़ी भरा जाती हो, फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय पर उसको वो जड़ केवल 3 या 4 बार सुंगा दी जाती है तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है, और जिसको दमा श्वास फूलता है उसको भी आराम लग जाता है। फुलेरा दूज के दिन उसके लिए नित्य आनंद का सुख दे जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।